राजस्थान के भरतपुर में दो पक्षों के बीच विवादित जमीन को लेकर तगड़ा झटका हो गया, जिसमें एक शख्स की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी गई। हैवानियत की हद इतनी कि एक बार नहीं बल्कि शख्स को 8 बार ट्रैक्टर से कुचला गया। परिजनों ने हालांकि शख्स को बचाने की कोशिश की, लेकिन ट्रैक्टर वाले के सामने उनकी एक न चली। वो बस तेजी से शख्स के ऊपर ट्रैक्टर चला ही जा रहा था। उधर कुछ लोगों ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। दो पक्षों के बीच लड़ाई जमीन को लेकर शुरू हुई थी। इस लड़ाई में 12 लोग भी घायल हुए, उन सभी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। मामला बयाना थाना इलाके के गांव अड्डा का है। जानकारी की माने तो गांव के दो पक्ष बहादुर सिंह गुजर और अतर सिंह गुजर के परिवारों के बीच जमीन को लेकर विवाद काफी समय से चल रहा था। दोनों पक्षों के बीच 3 दिन पहले ही झगड़ा हुआ था, जिसमें दोनों पक्षों की तरफ से बयाना थाने में शिकायत दर्ज की गई थी और पुलिस ने दोनों ही पक्षों के करीब 22 लोगों को पाबंद किया गया था। लेकिन बुधवार को बहादुर सिंह गुजर पक्ष के लोग विवादित जमीन को ट्रैक्टर लेकर जोतने के लिए चले गए, जिसकी सूचना जब दूसरे पक्ष अतर सिंह गुजर के परिवार को लगी तो वहां विरोध करने पहुंच गए। खेत की जुताई के दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर झगड़ा हुआ, जब 45 वर्षीय निर्षाद सिंह गुर्जर ट्रैक्टर को रोक कर विरोध करने की कोशिश कर रहा था, तभी ट्रैक्टर चालक ने उसको कुचल दिया, जिसमें उसकी मौके पर मौत हो गई। झगड़े को देखने के लिए ग्रामीण भी काफी संख्या में वहां एकत्रित हुए, लेकिन वे सिर्फ तमाशबीन होकर ये मंजर देखते रहे और वीडियो बनाते रहे। निर्पाट सिंह गुर्जर के परिजनों ने उसे हालांकि बचाने की कोशिश की, लेकिन ट्रैक्टर चालक इतनी तेजी से ट्रैक्टर को निर्पाट सिंह गुर्जर के ऊपर बार बार चढ़ा रहा था कि अगर कोई और आगे आता तो वो उसे भी कुचल देता। ट्रैक्टर चालक ने 8 बार निर्पाट के ऊपर से वाहन चलाया, जब तक कि उसकी सांसें नहीं थम गई। सूचना के बाद पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और सभी घायलों को बयान लेकर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। निर्पाट सिंह के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। ASP ओम प्रकाश कलवानी ने बताया कि इस मामले में 5 लोगों को हिरासत में लिया गया। वहीं कुछ आरोपी अभी फरार हैं, उनकी तलाश की जा रही है। आरोपियों के खिलाफ उचित एक्शन लिया जाएगा। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।